सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। वी आर बैक फॉर द अनदर वीडियो। तो फाइनली हम आ चुके हैं सुजुकी किक्सर 155 के साथ। हमारे टीम सामने खड़ी है सुजुकी किक्सर 155, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में, कैसी गाड़ी, कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा आपको माइलेज देखने मिलता है इस गाड़ी में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर बात करें सुजुकी किक्सर 155 की, तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर देखने मिल जाता है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और गिक्सर SF का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुजुकी का लोगो देखा जाए तो सुजुकी का लोगो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। इस गाड़ी में मिलता है आपको 155cc का ऑयल कूल इंजन, और ये प्रोड्यूस करता है अराउंड पकड़ के चलिए 13.6 BHP के आसपास और 13.8 Nm का टॉर्क, मतलब 14 BHP पकड़ लो यार, और 14 Nm का टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस करता है इस गाड़ी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी में आपको क्या खास मिलता है। इसमें मिलता है ऑयल कूल इंजन, और इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा सही है। अगर देखा जाए तो चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होती है, किसी भी गियर में आप चला लो बहुत ज़्यादा आपको परफेक्ट फील हो जाता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड से लुक आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का, कुछ ऐसा लुक आपको देखने मिल जाएगा। एक बार ऑन करते हैं गाड़ी को। गाड़ी को ऑन कर लिया, साइड से लुक देख लीजिए, कुछ ऐसा गाड़ी का लुक देखने मिल जाएगा। फ्रंट से देखा जाए तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रंट में अगर देखें ऊपर की तरफ तो यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ देखें तो ये इसका लो बीम देखने को मिल जाएगा। ये इसका DRL है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बात की जाए अगर मेन लाइट की, तो मेन लाइट तभी चालू होता है जब गाड़ी चालू होती है। इसमें देखो मिलता है 155cc का ऑयल कूल इंजन के साथ आती है ये गाड़ी। इस गाड़ी में आपको 2023 मॉडल में आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिलता है, ड्यूल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो भाई ये एक ड्रॉबैक हो सकता है आपके लिए अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो। होप यू फ्यूचर में अगर अपडेट दिया जाए सुजुकी की तरफ से तो ड्यूल चैनल ABS आ जाएगा। बट गाड़ी के चलाने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने में, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं कोई फेयरिंग वाली स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि इसका हैंडल बार जो है क्लिप ऑन के साथ साथ ऊपर दिया गया है, तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, 5th गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है गाड़ी। और इसमें मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप मोड्स को चेक कर सकते हैं, डिफरेंट राइडिंग मोड्स नहीं दिया गया है, मोड्स मतलब आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ट्रिप को सेट करने के लिए। मैक्स RPM की बात करें तो मैक्स RPM आपको देखने मिलता है इस गाड़ी में। रेव करिए फुल। तो इसका मैक्स RPM, तो मैक्स RPM इसका जा रहा है 9500 के आसपास। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है वो इसी के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर एक बार ऑन करता हूँ तो LED लाइट्स के इंडिकेटर नहीं देखने को मिलते हैं, नॉर्मल हैलोजन्स के इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है नाइलो ग्रिप का 100 सेक्शन का टायर, MRF का टायर देखने को मिल जाता है। रियर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 140 सेक्शन का टायर, रेडियल टायर भी देखने को मिलता है 17 इंचज़ के दोनों टायर। तो कुछ ऐसा ही है गाड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड से कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। रियर से बात करें तो कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है रियर से। गाड़ी पे बैठने के बाद कुछ ऐसा फील होगा, गाड़ी पे बैठता हूँ मैं, कुछ ऐसा फील होता है, कंफर्टेबल है काफ़ी पोजीशन, थोड़ा सा हैंडल की तरफ आपको झुकना पड़ेगा गाड़ी चलाते वक्त। इसमें मिलता है आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक, ये आता है इथेनॉल के साथ, E20 के साथ, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत होने वाली है नहीं, आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।